रिलीज करने वाले हैं हुंडई की जर्नी, जो कि एक सब कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर एसयूवी लुक में आती है। अच्छा खासा क्रोम का काम यहाँ पे किया हुआ है, देखने में काफ़ी बोल्ड ये गाड़ी लगती है। इसका डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छा है, जो गाड़ी की लाइट है वो नीचे दी है और ऊपर यहाँ पर डी आर है, जैसे कि आजकल क्रेटा में भी आ रहा है। और ये डिज़ाइन क्रेटा ने भी इसको हुंडई ने यूज़ किया है, जो एक नए ज़माने का डिज़ाइन यहाँ पर आपको लगता है। गाड़ी का आप लुक देख पा रहे हैं, गाड़ी के स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। गाड़ी में 1200 सीसी का इंजन मिलता है 1.2, और इसमें 1. टर्बो में 1000 सीसी का इंजन आपको मिलता है। गाड़ी डीजल में भी आती है जिसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन वगैरह आप यहाँ देख पा रहे हैं, और 5-speed मैनुअल में ही आती है। यहाँ पर गाड़ी का जो ओवरव्यू है, बॉडी कलर है, नीचे से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है। गाड़ी के टर्न इंडिकेटर यहाँ दिए हैं, यहाँ दिए जाते तो गाड़ी और अच्छी लगती। गाड़ी का हम चलेंगे ये ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड में ड्राइवर के साइड कंट्रोल में चारों पावर विंडो आपको मिलती हैं, लॉक एंड लॉक स्विच, ORVM के कंट्रोल, और यहाँ पर एक ट्विटर की प्लेसमेंट भी यहाँ पर दी हुई है। ये गाड़ी को खोलने का बंद करने का लीवर, और यहाँ बोतल रखने की जगह। वेन्यू एक सब 4 मीटर गाड़ी है, और ये वेन्यू में बैठने पर यह एहसास भी होता है कि भाई ये कॉम्पैक्ट SUV है, क्योंकि इसमें जो स्पेस है थोड़ा कॉम्पैक्ट ही आपको नज़र आता है। जैसे मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ, मेरी हाइट 5 feet 5 inch है, तो मुझे ऐसा देखने पर लग रहा है कि ये गाड़ी जो बड़ी हाइट के लोग हैं उनको गाड़ी बैठने में बहुत ही छोटी लगेगी। जो एवरेज हाइट के लोग हैं उनके लिए गाड़ी ठीक है, लेकिन जो बड़ी हाइट के लोग हैं, हालांकि जो हेड रूम है, अगर यहाँ पर 6 feet का बंदा भी बैठ जाए तो भी उसके हिसाब से हेड रूम काफ़ी है, लेकिन इसका डैशबोर्ड ऐसा लगता है आपके चेहरे पे आ रहा है। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा लुक गाड़ी में बैठने पे आता है। गाड़ी की विजिबिलिटी हालांकि अच्छी है, विजिबिलिटी में कोई शिकायत नहीं है। गाड़ी में ये मैनुअल ORVM यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जो मेन शिकायत मुझे यहाँ पे लगती है कि ये कॉम्पैक्ट SUV को ये साबित कर दिया किसी में कॉम्पैक्ट हो। जैसे आप ब्रेज़ा में ये चीज़ नोटिस नहीं करेंगे, वो भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट में आता है, लेकिन ब्रेज़ा में आपको जो स्पेस है थोड़ा सा खुलेपन का एहसास होता है, वेन्यू में थोड़ा बंद सा ये एहसास होता है। हालांकि इंटीरियर के मामले में ये ब्रेज़ा से एक नंबर ज़्यादा ही है, इंटीरियर इसका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये एलिमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भैया बीच में ये सर्कल सा क्या दे दिया है। ये अगर यहाँ पर थोड़ा खुला देते वही चीज़ की कॉम्पैक्ट, ऐसा लग रहा है चीज़ को घुसा दिया गया है। ये ऐसे लग रहा है कि जी ये अलग से मीटर उठाया और यहाँ डाल दिया, और ये स्पेस ये बीच में ख़राब ही हो गई है। इसकी जगह अगर ये और अच्छा देते, यहाँ पर RPM का मीटर बिल्कुल कॉम्पैक्ट नज़र आता है, यहाँ पर भी स्क्रीन कॉम्पैक्ट नज़र आती है, तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कॉम्पैक्ट ही है, कोई आपको खुलेपन का एहसास यहाँ पर नहीं होगा। गाड़ी के और कंट्रोल की बात करें, यहाँ पर AC vent हालाँकि थोड़े और बड़े होते तो और अच्छे लगते, हालाँकि क्रोम सिल्वर एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है। और ये गाड़ी का जो डैशबोर्ड का एरिया है ये तो बिल्कुल ही बकवास यहाँ पे दिख रहा है। जो इसकी टच स्क्रीन भी जिस वेरिएंट में अवेलेबल है वो भी कोई बढ़िया इतनी लगती नहीं है टच स्क्रीन भी। और ये देखिए मेरा हाथ देखिए कहाँ तक पहुँच रहा है, ये देखिए, मतलब गाड़ी का डैशबोर्ड इतना ड्राइवर के पास में है, मतलब मेरा हाथ ये देखिए ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा आगे हूँ तो गाड़ी का मैं शीशा ही टच कर दूँगा। ये देखो गाड़ी का शीशा यहाँ टच कर पा रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ही एकदम आगे की तरफ इसका डैशबोर्ड लगता है। गाड़ी में 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे आता है, और यहाँ पर आपको USB पोर्ट, ये मोबाइल रखने की जगह, यहाँ पे आपको हायर वेरिएंट में फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी, ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। गाड़ी में यहाँ पर ये मैनुअल AC आपको मिलता है, और AC के कंट्रोल यहाँ पर भी, ये ग्लव बॉक्स भी छोटा है, ये कॉम्पैक्ट को ही डिफाइन करता है कि मैं कॉम्पैक्ट SUV हूँ तो मैं कॉम्पैक्ट ग्लव बॉक्स ही रखूँगा। यहाँ पर भी जो जगह है थोड़ी सी और ये बेटर हो सकती थी। मटेरियल की बात करें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है, क्वालिटी वाइज ठीक है, बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा ये लगता है स्ट्रॉन्ग। गाड़ी में 2 एयरबैग हैं, एक ड्राइवर साइड एक को ड्राइवर साइड, बैजिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। गाड़ी में जो ORVM है मैनुअल डे नाइट ORVM इसके कंट्रोल, गाड़ी में यहाँ पे वैनिटी मिरर यहाँ पे आपको मिल जाता है। गाड़ी के जो ये हैंडल है फिक्स्ड है ड्राइवर साइड, गाड़ी में माइक यहाँ दिया हुआ है। गाड़ी में हाई एंड वेरिएंट में यहाँ पे आपको एक बच्चा सनरूफ भी मिल जाएगा,
उसमें एक बच्चा ही निकल सकता है, बड़ा आदमी तो उसमें से निकल नहीं सकता। एक पहली बार तो गाड़ी में जगह ही नहीं है। ये ड्राइवर साइड मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है और कोई ज़्यादा बढ़िया लेग रूम सीटिंग पोजिशन हालांकि ठीक है और गाड़ी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है और कॉम्पैक्ट वर्ड को ही डिफाइन करता है। अब हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। ड्राइवर सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, लेग रूम तो यहाँ सफिशेंट है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। यहाँ 5 फीट का बंदा बैठेगा तो उसके लिए जगह कम है, और अगर मेरी एवरेज हाइट का भी बंदा यहाँ बैठ जाएगा 2 लोग आराम से बैठ जाएंगे, 30 को बैठने में मुश्किल होगी। हम्प जो बीच का हम्प है ज़्यादा इसका प्लेन सही है। 12 वाट का पावर सॉकेट यहाँ मिलता है आपको, गाड़ी के रियर एसी वेंट, आर्म रेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलता है, और स्टोरेज स्पेस मैं आपको दिखाना भूल गया था, सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे ठीक ठाक मटेरियल का यूज़ है। मेन जो चीज़ वेन्यू में आपको दिखती है, गाड़ी जो मुझे लगी थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक है, गाड़ी आपको पीछे से बैठने में भी इतना ज़्यादा लाइटिंग गाड़ी में नहीं है, कॉम्पैक्ट वर्ड को अच्छे से डिफाइन करती है ये गाड़ी। सीटिंग भी इतनी ज़्यादा इसकी बेहतर और बेहतर हो सकती थी, जो स्पेस का यूज़ ब्रेज़ा में किया गया है उसके मुकाबले इसमें वेन्यू में स्पेस की हमको क्लियर तौर पे कमी नज़र आती है, जबकि दोनों ही 4x4 meter कॉम्पैक्ट SUV हैं, लेकिन स्पेस के मामले में थोड़ी सी इसमें स्पेस कॉम्पैक्ट नज़र आता है, जबकि ब्रेज़ा में आपको ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। गाड़ी का डैशबोर्ड और गाड़ी का इंटीरियर लुक थोड़ा सा गाड़ी बंद बंद सी लगती है, जैसे ही आप ये शीशे देख रहे हैं, थोड़े और बड़े होते तो और अच्छा लगता। गाड़ी का इंटीरियर इतना एरी या ऐसा लाइटिंग इतनी अच्छी इसमें आपको पता नहीं चलती है। गाड़ी का बूट अप खोल बूट का कंट्रोल आपको यहीं से मिल जाएगा। यहाँ वेन्यू की बैजिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ LED लाइट का प्रयोग यहाँ पे किया है जो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर गाड़ी के रिवर्स पार्किंग लाइट ये आप देख पा रहे हैं, वेन्यू की बैजिंग। यहाँ पे वेरिएंट का इसमें जिक्र नहीं है, हालांकि अगर ये टर्बो होता तो टर्बो की बैजिंग आपको मिल जाती। ये गाड़ी के डिफॉगर की लाइन, यहाँ पर स्टॉप लैंप आपको मिलता है, रूफ रेल आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक शार्क फिट एंटीना होता तो और अच्छा लगता, लेकिन ये भी ठीक लग रहा है। गाड़ी का बूट हम ओपन करते हैं, ये गाड़ी बूट ओपन करने का यहाँ स्विच, और ये गाड़ी का ग्रैब हैंडल डिक्की बंद करने के लिए, ये अगर यहाँ होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, यहाँ पर भी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो आपको महसूस होती है, गाड़ी की ये हाइट बहुत ज़्यादा है, आपको सूटकेस अपने कम से कम कमर से भी ऊपर तक उठाना पड़ेगा तब आप इसको लोडिंग इसमें करेंगे। ये स्पेस हालांकि थोड़ा सा अगर और ये नीचे होता तो और अच्छा लगता, गाड़ी की लोडिंग लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ी में आप चाहे तो जो बूट स्पेस है सफिशिएंट है, हालांकि अगर कल को आप चाहें कि मैं गाड़ी में CNG लगवा दूँ तो अगर CNG सिलेंडर लग जाएगा तो गाड़ी का बूट स्पेस एक हैचबैक की तरह यहाँ पर लग रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा। CNG लगने के बाद अगर आपको लगता है तो गाड़ी का बूट स्पेस कम हो जाएगा। गाड़ी में बूट लैंप आपको यहाँ पे मिलता है। गाड़ी का स्पेयर व्हील देख लेते हैं, हैंकॉक के हैं व्हील, और बूट स्पेस थोड़ा सा हालांकि मुझे यहाँ कम लग रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी कॉम्पैक्ट SUV है और कॉम्पैक्ट ही है। गाड़ी में पार्सल ट्रे आपको यहाँ मिल जाएगी, ये गाड़ी करते हैं हमारे, और गाड़ी में 2 पार्किंग सेंसर यहाँ आपको मिलते हैं, ब्रेज़ा में 4 आते हैं, कोई पार्किंग कैमरा आपको यहाँ नहीं मिलता। LED लाइट, गाड़ी का पेट्रोल का टैंक, और ये रूफ रेल साइड लुक आप देख पा रहे हैं गाड़ी का। गाड़ी में यहाँ पर थोड़ा ब्लैक साइड ये बिडिंग आपको मिल जाती है। गाड़ी में टर्न इंडिकेटर बॉडी पे दिए हुए हैं, यहाँ पर मिलते तो और अच्छा लगता। स्टील व्हील आपको गाड़ी में मिलते हैं, आएंगे गाड़ी के फ्रंट में ये आपको DRL मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको गाड़ी की मेन लाइट यहाँ पर मिल जाती है। ये वेन्यू की बैटरी जैसे कि आपको पहले भी दिखाई थी, क्रोम एलिमेंट, गाड़ी देखने में मस्कुलर लगती है लेकिन अंदर स्पेस के मामले में इतनी ज़्यादा बढ़िया।
की स्पेसिफिकेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी गाड़ी की वेन्यू की एक ओवरऑल वॉक अराउंड, एक रिव्यू, इंटरनल एक्सटर्नल अच्छा लगा होगा। और थैंक यू एंड स्टे हैप्पी एंड यस।